बैंगन आलू और टमाटर की सब्जी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ मैंने कुछ आलू लिए हैं। छोटे साइज़ के आलू थे तो मैंने 10 से 12 लिए हैं। 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 3 मीडियम साइज़ के बैंगन लिए हैं। बैंगन को कट लगाकर चेक कर लिया है कि इसमें कुछ कीड़े ये सब तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से धो लिया है और आलू को हमने कट नहीं किया है, बस ऐसे ही छील कर अच्छे से धो लिया है। और सारी बैंगन आलू और टमाटर को यहाँ हमने एक कुकर में ऐड कर दिया है और आधा कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है। और यहाँ देखिए 12 से 15 मैंने लहसुन की कलियाँ को छील कर रखी थी, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और दोस्तों इसे 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इसे हमने गैस पर रख दिया है और हाई फ्लेम पर दोस्तों 1 से 2 सीटी आने तक हम पका लेंगे। और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बैंगन जब पकेगा तो पानी रिलीज़ करेगा, तो बस आधा कप के करीब इसमें हमने पानी का इस्तेमाल किया है। जब तक हमारा बैंगन आलू और टमाटर पक रहा है तब तक इसके लिए हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल यूज़ करेंगे दोस्तों। सरसों के तेल में ये सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, वैसे आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पसंद का। तेल दोस्तों हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम हल्का सा जीरा और पीला सरसों ऐड कर देंगे। फ़ौरन दोस्तों आप अपने स्वाद के अनुसार भी आप चाहें तो इसमें पंचफोरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, इसमें दोस्तों अब हम बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे आधा चम्मच के करीब, और हल्का सा हमने बारीक कटा हुआ लहसुन भी ऐड किया है, और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड की है। हल्का सा इन्हें हम भुनने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है अदरक लहसुन में। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और प्याज को दोस्तों लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से दोस्तों बन जाती है और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अलग लगता है। तो देखिए दोस्तों प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। 1 चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे दोस्तों, ये तीखा कम होता है। और आधा टीस्पून के करीब यहाँ हल्दी है और 1 चम्मच के करीब धनिया का पाउडर है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट सूखे मसाले को भून लेंगे। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा दोस्तों ताकि मसाले हमारे जले ना। आप चाहें तो हल्का सा इसमें 1 से 2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं ताकि मसाले ना जले हमारे, क्योंकि मसाले सूखे हैं। तो ये हमने 1 से 2 चम्मच पानी डाल दिया। मसाले को अच्छे से 2 से 3 मिनट पका लेते हैं इनका कच्चापन दूर होने तक। देखिए दोस्तों मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। मसाला भूनने की यही निशानी है दोस्तों। अब देखिए क्या करना है हमें। यहाँ आधी कटोरी छोटी कटोरी से हमने दही लिया है, फेटी हुई दही, और इसे मिला देंगे और फटाफट से इसे मिक्स कर देंगे। और फ्लेम को दोस्तों बिल्कुल कम रखें, यहाँ पर हो सकता है कि दही हमारे फट भी सकती है। और यहाँ देखिए दोस्तों 2 से 3 सीटी लगाने के बाद हमारा आलू बैंगन और टमाटर बहुत अच्छे से गल चुका है। आप इसके छिलके भी चाहें तो निकाल सकते हैं, और अगर इसे रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। और हल्का सा इसे हम किसी चीज़ से मैश कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा, सारा चीज़ हमारा बिल्कुल पक चुका है। तो हल्का सा इसे हम मैश कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों दही डालने के बाद मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है। 1 चम्मच के करीब हाथों में क्रश कर कर इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे, मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों आलू बैंगन और टमाटर को बहुत अच्छे से हमने मैश कर लिया है, बहुत आसानी से मैश हो जाता है। अब हम इसमें आलू बैंगन और टमाटर जो हमने पका कर रखा है मैश कर कर वो ऐड कर देंगे। और देखिए मसालों का बहुत ही अच्छा कलर आया है और सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है दोस्तों। तो सारा मिला देते हैं। तो यहाँ देखिए सारा आलू बैंगन और टमाटर को हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर कर इसे भी हम 5 मिनट के करीब पका लेंगे, जब तक इसका जो पानी है हल्का सा वो ड्राई ना हो जाए। और अलग से इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, ऑलरेडी इसमें बहुत सारा पानी है जो हमने बैंगन आलू और टमाटर को गलाया है। तो इसी प्रकार से इसे पका लेंगे हम 5 मिनट के करीब। ये हमारी आलू बैंगन और टमाटर की फटाफट बनने वाली सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें ताकि हमें ऐसे ही वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और चलिए फिर आप सभी से मिलेंगे किसी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।